उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के हंडिया के भीटी में राज दरबार ढाबा पर सुरेश मौर्या की अगुवाई में नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि प्रयागराज के हंडिया में लौह पुरुष कहे जाने वाले किसानों के मसीहा रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो देश के पहले उप प्रधानमंत्री व पहले गृह मंत्री के रूप में रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी क्रम में सपा के प्रदेश अध्यक्ष के वाराणसी से प्रयागराज आगमन पर हंडिया के पूर्व सपा प्लाग प्रमुख व जुझारू नेता डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्या की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हंडिया के भीटी राज दरबार ढाबा पर सुबह से ही प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत की तैयारियों में जुटे रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष का काफिला जैसे ही वाराणसी से भीटी पहुँचा कि कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद के नारों के साथ होजों मुमड़ा। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख की अगुवाई में प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार फूल मालाओं से स्वागत किया गया। वहीं मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, वर्तमान सरकार से किसान, नौजवान, बेरोजगार सब त्रस्त हो चुके हैं। आने वाले 2022 के चुनाव में जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी और सपा की अगुवाई में माननीय अखिलेश यादव द्वारा सरकार बनेगी। और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर किसान महंगाई का मुंहतोड़ जवाब देगी, महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है। अखंड भारत के निर्माता महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हार्दिक बधाई देता हूँ और इस देश को एक सूत्र में बांधने वाले, किसानों को लामबंद करके इकट्ठा करके इस देश की आज़ादी दिलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हैं। पिछले 2.5 महीने से हम खेत खलिहान बचाओ, कुटीर उद्योग बचाओ, रोजगार दो, किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर निकले। आज इस यात्रा का समापन इलाहाबाद में होगा। किसान की बदहाली को लेकर, नौजवानों की परेशानी को लेकर हमने ये किसान नौजवान पटेल यात्रा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर निकाली। प्रदेश के लगभग 53 जिलों में मुझे जाने का मौका मिला। अब तक 270 विधानसभाओं में मुझे हर जगह किसानों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत ही गुस्सा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की सरकारों ने किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। कहा था कि हम किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य देंगे, लागत से ड्योढ़ा देंगे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी की सरकार में और योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसान अपनी फसलों का मूल्य नहीं पा रहा, बल्कि लागत मूल्य भी नहीं पा रहा। उनके साथ बीजेपी ने बहुत बड़ा छलावा किया। महंगाई लगातार बढ़ाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 90 दिन के अंदर महंगाई कम करने की बात 2014 में कही थी। आज डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, रसोई गैस का दाम, खाद का दाम, बिजली का दाम, दवा का दाम, पढ़ाई का दाम, सिंचाई का दाम, किराया, इस महंगाई से आज हर आदमी का जीवन बहुत ही परेशानी में है। बीजेपी ने महंगाई बढ़ाकर समाज के हर तबके को आर्थिक तंगी दी है। हर आदमी दुखी है भारतीय जनता पार्टी से। नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। नौजवानों से कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में छटनी हो रही है। सरकारी विभागों में छटनी करने के साथ साथ संविदा कर्मी भर्ती किए जा रहे हैं, संस्थानों को बेचा जा रहा है, शिक्षा संस्थान बेचे जा रहे हैं, अस्पताल बेचे जा रहे हैं, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, रेल विभाग बेचा जा रहा है, LIC बेचा जा रहा है, जो सरकारी तंत्र है वो को लेकर क्या कहना है आपको? आज लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती है और इस जयंती के अवसर पर KP ग्राउंड में एक समाजवादी पार्टी की ओर से किसान पटेल यात्रा पिछले दिनों निकाली गई थी, उसका समापन का कार्यक्रम रखा गया है। आज हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम जी, जो बहुत ही सुशील और बहुत ही घुलनसार, सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने वाले, सभी से मृदुभाषी में बात करने वाले, बनारस से चलकर इलाहाबाद के कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। आज हम लोगों ने इस भीटी राज दरबार ढाबा पर हजारों की कार्यकर्ता में उनका स्वागत किया है और हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनाने का आज संकल्प लिया है। निश्चित रूप से 2022 में आज किसान, नौजवान, बेरोजगार
सब परेशान हैं। माननीय मुख्यमंत्री को अखिलेश यादव जी को 2022 में अखिलेश मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेके सब लोगों ने आज आशीर्वाद दिया है।